हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी, मेथी मसाला राइस। ये सर्दियों की एक हेल्दी रेसिपी है। बच्चे मेथी खाना पसंद नहीं करते, तो इस तरह से आप चावलों के साथ उन्हें बना के खिलाएंगे तो ये बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएंगे। ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाने वाली रेसिपी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कप बासमती चावल को अच्छे से धो के 30 मिनट तक भिगो लिया है। एक कप यहाँ पे मैंने मेथी के डंठन निकाल के सिर्फ इसके पत्ते पत्ते ले लिए हैं और इसको अच्छे से धो कर लिए हैं। मेथी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून ऑयल, 2-3 टेबलस्पून हरे मटर लिए हैं, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टमाटर लंबी पत्ती स्लाइसिस में काट लिए हैं, 1 बड़ा प्याज लंबी पत्ती स्लाइसिस में काट लिया है। और इन्ग्रीडियंट्स में हमें चाहिए 3 से 4 हरी मिर्च स्लिट की हुई, आप चाहे तो इसे बारीक काट के भी डाल सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार। खड़े मसाले में हम लेंगे 2 दालचीनी के टुकड़े, 2-3 लौंग, 1 बादियान का फूल और 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर। एक गहरे बर्तन में मैंने 3 टेबलस्पून जितना ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल के गरम होते ही हम इसमें खड़े मसाले ऐड कर देंगे, लौंग, दालचीनी के टुकड़े, बादियान का फूल और 1 बड़ी इलायची, साथ में ही 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे और इसे कुछ देर तक सॉटे करेंगे। जीरा चटकते ही हम इसमें 1 प्याज लंबी पत्ती साइज़ में कटा हुआ है वो ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज के हल्के से सॉफ्ट पिंकिश होने तक इसे सॉटे करेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये प्याज हल्के से पिंकिश हो चुके हैं तो अब हम इसमें स्लिट की हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अगर हमने पहले प्याज के साथ ही इसे डाल दिया होता तो प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक ये जल जाती। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सॉटे करेंगे। देखिए कुछ ही देर में प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट तक सॉटे करेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अदरक लहसुन अच्छे से सॉटे हो चुका है तो अब हम इसमें 2 टमाटर लंबी पत्ती स्लाइसिस में कटे हुए हैं वो ऐड कर देंगे। साथ में ही हम इसमें सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर आप इसमें 1-2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड कर दीजिए जिससे कि मसाले जलेंगे नहीं। अब हम टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसे पकाएंगे। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट और मशी हो चुके हैं। हमने इसमें 2-3 टेबलस्पून जितना पानी भी डाला था। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून मटर ऐड कर देंगे और साथ में ही मेथी के पत्ते भी ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक सॉटे करेंगे जब तक कि मेथी भी रिड्यूस हो जाएगी। 2 मिनट के बाद देखिए ये मेथी काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है। इस तरह से सॉटे करने से मेथी का कड़वापन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो अब हम इसमें भिगोए हुए चावल पानी निकाल के ऐड कर देंगे। हमने 1 कप चावल लिए थे तो इसका 1.5 गुना मतलब 1.5 कप जितना पानी हम इसमें ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इस रेशियो से पानी डालने से चावल एकदम खिले खिले और अलग अलग बनेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें 1 उबाल ले आएंगे। ये देखिए चावलों में उबाल आ चुका है तो अब हम इसको कवर कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ये हमने चावलों को कवर करके भी 10 से 12 मिनट तक पका लिया है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारा मेथी मसाला राइस बनके रेडी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से और ये आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना एकदम खिला खिला और अलग अलग है। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर लगे तो आप इसको ओपन करके 2 से 3 मिनट तक सिम कर लीजिए जिससे कि इसका एडिशनल मॉइस्चर भी चला जाएगा। बाद में हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो लीजिए रेडी है हमारा गर्मा गर्म मेथी मसाला राइस। इसे दही या रायते के साथ सर्व करें।
तो इसी तरह की आसान और टेस्टी रेसिपीज के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और खास करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।